नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कोई हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सबके लिए कंप्यूटर में उपयोग होने वाले अति महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछ जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एक वीडियो मैंने और बनाया था लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी इस वजह से मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी तो दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना इतना ज़रूर कर देना इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और आप इतना जरूर कर देना बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब कर रहा चैनल तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है सी से होता है कॉमनली ओ से ऑपरेशन एम से मशीन पी से पार्टिकुलरली यू से यूज फॉर और टी से टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का भी आपको पता होना चाहिए अब अल्फाबेट वाइज पहले ए पे आते हैं अभी से एस सी आई आई अमेरिकन ये अमेरिका लिखा हुआ है लेकिन ये अमेरिकन होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एल्गोल एलगोरमिक लैंग्वेज ए टी एम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एडीसी एनोलॉग डिजिटल कन्वर्टर जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए वी आई आई डी वीडियो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एकदम रट लो आप बी आर सी दाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बेसिक बिगनर्स आल वर्पस सिंबोलिक्ट कोट बी आई ओ एस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बी एस एन एल भारत संचार निगम लिमिटेड सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैम कंप्यूटर एडेड मैनुफैक्चरिंग सी डी कंपैट डिस्क सी रोम सी डी रीड ऑनली मोमोरी सी डी गौदा कंपैक्ट डिस्क सी डी आर डब्ल्यू कंपै डिस्क रीड एंड राइट कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी आर टी कैथोड रेट्यूब सी यू कंट्रोल यूनिट सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एकदम रट लो आप डी रैम डायनेमिक रैम डी ए सी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर डी बी एम एस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी सी एल डिजिटल कमांड लैंग्वेज डी एफ डी डेटा फ्लो डायग्राम, डी एन एस डोमेन नेम सिस्टम डी पी आई डॉट पर इंच डी आर डी ओ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी बी डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क ठीक है डी बी डी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डी डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई रोम इरेबल पोगाबल रिड मेमोरी इी सी डि एक्सटेंडेड बाईनरी कॉडेड टेसीमल इंटरचेंज कॉड इ डी पी इलेक्ट्रॉन डेटा पोसे इस एस इलेक्ट्रॉन डीलै स्टोरेज आटोमेटिकलकुलेटर इी रोम इलेक्ट्रीके इरेबल प्रोग्राबल रीड ओनली मेमोरी फोर ट्रां फार्मूला ट्रांसलेशन एफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एफ हो जी हो फोटोन हो ये सब देखो हमें बार बार कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी हमेशा ये वर्ड आते हैं ये सारे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है सब आप देखो अगर पढ़ पढ़ाई करते हो तो बार बार आपको मिलता होगा सारे तो आगे चलिए देखते हैं एस टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एस टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आई बी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई एस डी एन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के बी पी एस किलोबाइट पर सेकेंड जैसे के बी पी एस है तो एम बी पी एस भी हो सकता है तो एम बी के जगह पर आपको लगा देना है क्या मेगाबाइट तो कुछ भी पूछ सकते हैं लैंड लोकल एरिया नेटवर्क एल एस आई लार्ज स्केल इंट्रीगेशन एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जैसे मैन होता है लैन होता है वैन होता है सब आएगा अभी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क अभी आगे आएगा वो एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन मॉडर्म माडूलेटर डिमाडूलेटर देखो मॉडर्म बहुत यूज होता है जो एक उसका मतलब माडूलेटर डिमाडुलेटर होता है एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जहाँ पर एमएस लगा हो समझ लो माइक्रोसॉफ्ट है एम एम एस मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस एम बी मेगा बाइट एम बी जैसे मेगा बाइट अगर के बी हो तो किलो बाइट जी बी हो तो गीगा बाइट और टी बी हो तो टेरा बाइट ठीक है चलिए आगे एम एस टॉस माइक्रोसॉफ़्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस है तो माइक्रोसॉफ़्ट होगा एम एस है इधर एम एस विंडोज़ है इधर एम एस वर्ल्ड एस एम माइक्रोसॉफ्ट एम टी एन एल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एन एल नैशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओ सी आर ऑप्टिकल करैक्टर रीडर ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम पी सी परसनल कंप्यूटर पी डी एल प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज पी एल वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ठीक है पी ओएस पॉइंट ऑफ सेल्स पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी एस टी एन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी आर पी जी ये बीच में आर पी जी आ गया है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एस रैम स्टेटिक रैम एस सी एस आई इस्माल कम्प्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट टी सी पी या फिर आई पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आई पी का इंटरनेट प्रोटोकॉल टी एफ टी थिन फिल्म ट्रांसिस्टर यूएलएसआई अल्ट्रा लॉजिकल इंटीग्रेशन यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूपीएस अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बी डी यू विजुअल डिस्प्ले यूनिट वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बी देखो जो बी आया था बी फॉर बॉय वो होता है भारत संचार निगम लिमिटेड और अगर वी आ जाए तो विदेश संचार निगम लिमिटेड चलिए नेक्स्ट वैन वाइड एरिया नेटवर्क वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस डब्ल्यू एल एल वायरलेस लोकल लूप डब्ल्यू आर एम राइट वंस रीड वैनी डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड बेब सारे इंपॉर्टेंट है अब जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा है जी एस एम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सी डी एम ए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस अभी मैंने एमएमएस पहले ही बता दिया हूँ आपको मल्टीपीडियम मैसेजिंग सर्विस ठीक है यूएमटीएस यूनिवर्सल मोबाइल टेली सिस्टम वायरस फेटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड अब कुछ फाइल के नाम है जो होते हैं जैसे पिक्चर्स फाइल होते हैं जी आई का ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप पी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ठीक है पी डी का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट गलती से पी वाला यहाँ आ गया है लेकिन पी का यही होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डॉक का होता है डॉक्यूमेंट ठीक है आप समझ सकते हो आप लोग खुद समझदार हो बी एम पी बिट मैप डब्लू एम वी विंडो मीडिया वीडियो डब्ल्यू एम ए विंडो मीडिया आडियो ठीक है अब जी पी आर एस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस डब्लू ए पी वैप वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डब्ल्यू लैन वायरलेस लैन लैन मतलब समझते हो आप लोकल एरिया नेटवर्क अरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन वाईफाई वायरलेस फर्टिलिटी आई कैन इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर तो दोस्तों ये था कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले मोस्ट फुल फॉर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा रट लो अगर एक बार में याद हो जाए ठीक है ना दो बार देख के पूरा रट लेना है आपको दोस्तों अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पहला आइकॉन भी प्रेस कर देना अब आते हैं क्वेश्चन पे अब आज का क्वेश्चन है टी का पूर्ण रूप क्या है ए है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम बी ट्रांसलेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर डी ट्रांसमिशन करेक्टर प्रोटोकॉल इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कमेंट जरूर किया करो आंसर जरूर लिखा करो ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन वीडियो को देखता है और कौन इंटरेस्टेड है मुझे अच्छा लगता है नहीं तो पता ही नहीं चल पाता कौन कौन वीडियो देखा दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत